हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत का खाना। आज हम बनाने जा रहे हैं खोआ, जिसको मावा भी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, खोआ भी कई तरीके का होता है, जो ड्राई खोआ होता है, दानेदार खोआ होता है, चिकना खोआ होता है और हार्ड खोआ होता है। हार्ड खोआ बोले तो एकदम उसमें जो नमी होती है वो 20% रहती है। और हार्ड खोआ की एक खासियत है, आप उसको एक साल तक अपने फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है, उसके ख़राब होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। उसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में आराम से एक साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई सब्जी बनानी है, फिर कोई स्वीट्स में आपको उसको इस्तेमाल करना है, तो उसमें हल्का सा मिल्क या पानी डाल के उसको आप जैसे आपको जिस तरह का खोआ चाहिए वैसे आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप हार्ड खोआ बनाते हैं तो उसको आप अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फ्रिज में और एक साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। और आज जो मैं खोया बनाने जा रहा हूँ वो ड्राई खोआ है, जो बर्फ़ी और पेड़े के लिए यूज़ होता है, और एक दानेदार खोया होता है जो मिल्क केक हो गया और कलाकंद हो गया उसमें उपयोग होता है। खोए के भी कई सारे प्रकार हैं, उसको मैं बताते जा रहा हूँ। और एक वेरी लेस ड्राइड वर्जन होता है खोए का, जिसमें हल्का सा स्मूथनेस रहती है, वो अपने गुलाब जामुन और कई तरह की मिठाइयों में काम आता है। और एक चिकना खोआ होता है, उसमें आप देखेंगे वो खोआ हल्का सा मेल्ट होता रहता है, इधर से उधर अपने जैसे रख दिया, उसमें बॉल में रख दिया, ऊपर तक खोआ दिख रहा है और साइड से वो मेल्ट कर रहा है, वो चिकना खोया होता है, उसमें 50% मॉइस्चर होता है। और बस यही मेरा मोटो था कि आपको ट्रेडिशनल वे में आपको बताऊं कि किस तरह के मिठाइयों में किस तरह के खोए इस्तेमाल करे जाते हैं। ये बहुत ही पुराना तरीका है, हमारे ट्रेडिशनल वे में चले आ रहा है कि कौन सा खोआ कौन सी मिठाई के लिए बेहतरीन रहता है। तो आज मैं खोआ जो बनाने जा रहा हूँ, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया है, वो ड्राई खोआ है जो मैं पेड़े में यूज़ करूँगा। और इसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ या फिर इसके बाद डालूंगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट करके देख लीजिए। तो चलिए हम अपने खोए की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। खोआ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसको गैस पर रख देंगे और उसको हम स्टार्टिंग में लो फ्लेम में रखेंगे, फिर उसके अंदर हम दूध को डालेंगे। अब मैंने दूध डाल दिया है इसके अंदर और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अब हम इसका वेट करेंगे जब तक उसमें उबाला नहीं आ जाए, और उसमें बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा उबाल आने लगा है, उसको मैं लगातार चलाता जा रहा हूँ। हमको उसको लगातार चलाते रहना है जब अच्छे से गर्म हो जाए, और ये साइड साइड से ना इसको भी निकाल लें, ये साइड साइड से जो चिपक जाता है ना उसको भी हमको निकाल लेना है। अब देखिए हमारे दूध में उबाल आने लगा है अच्छे से, और ये गाढ़ा होने लगा है और साइड साइड से ये चुपक रहा है ना, उसको आप निकालते रहिए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। ये देखिए ये साइड से हार्ड होता जा रहा है, इसको आप निकालते रहिए, दूध की मदद से ही आप इसको सॉफ्ट करके इसे निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए हमारा जो दूध है काफ़ी गाढ़ा होने लगा है, और ये काफ़ी कम भी हो गया, रिड्यूस हो गया, इसका जितना मॉइस्चर है स्टीम बन के निकलता जा रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब दूध उबल रहा है तो उसके नीचे का सरफेस है उसमें हमारा दूध चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं जैसे नीचे लगे नहीं, और ये करछी से बिल्कुल हमको लगा के चलाना है जैसे इसके नीचे चिपक नहीं जाए, थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। और घर का शुद्ध बना मावा तो उसकी बात ही अलग है, थोड़ा बाज़ार में मिलावट हो जाती है, उसमें अरारोट या फिर आलू का मैश करके मिला देते हैं, आजकल के खोए में बहुत कुछ मिलावट आ रही है, पर घर का जो बना खोआ होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। आप उसको जरूर ट्राई कीजिए, थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं, पर घर की चीज़ तो घर की चीज़ होती है। ये देखिए हमारा जो मिल्क है काफ़ी रिड्यूस हो गया है, और उसको लगातार चलाते रहिए और साइड साइड से आप उसको निकालते रहिए, और गैस को आप अब लो कर दीजिए, लो और मीडियम के बीच में कर दीजिए जैसे वो नीचे लग ना जाए, क्योंकि हमारा जो अब समय जो दूध है काफ़ी गाढ़ा होने लगा है तो फटाफट वो लगने लगा है नीचे से, तो इसको हम लो कर देते हैं, इसको चलाते रहना है हमें अच्छे से, और साइड साइड से आप निकालेंगे तो वो हल्के हल्के जो उसके रेड पीस होते हैं वो आएंगे। अब देखिए हमारा जो मिल्क है काफ़ी रिड्यूस हो गया है और ये खोआ बनने लगा है धीरे धीरे, और इसको मैंने फ्लेम को लो कर दिया है नहीं तो नीचे से लग जाएगा। इसको हम प्रॉपर तरीके से चलाते रहेंगे, साइड से निकालते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा खोआ बनने लगा है, ये एकदम गाढ़ा हो गया। और एक चीज़ याद रखिए कि मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था, ये जो मैंने जो मिल्क लिया है काउ मिल्क लिया है ये मैंने, क्योंकि मेरे को मथुरा के पेड़े बनाने हैं, और मथुरा के जो पेड़े बनते हैं वो
गाय के खोए से बनते हैं, गाय के दूध के खोए से। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो एक येलो होता है एक तो मिल्क गाय का, और वो फटाफट ब्राउन हो जाता है पेड़ा। और एक चीज़ फ्रेंड आपको मैं फिर से बता देता हूँ वीडियो में, कि ये मैंने जो कढ़ाई है वो एनोडाइज ले रखी है, और ये नॉनस्टिक नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियो के नीचे लोग काफ़ी आके कहते हैं कि यूज़ नॉनस्टिक स्पून फॉर नॉनस्टिक कढ़ाई। ये एनोडाइज कढ़ाई है, ये मेटल फ्रेंडली होती है, उसको मैं 2.5-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है इसमें। तो आप भी इसको यूज़ कीजिए, मार्केट में 200-300 रुपये ज़्यादा थोड़ी महंगी मिलती है, पर लॉन्ग टाइम उसकी लाइफ होती है। अब मैंने इसकी जो गैस है ऑफ़ कर दी है, अब ये देखिए हमारा मावा तैयार हो गया। अब ये ठंडा, उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, अब ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। अगर हम स्टेज में हम थोड़ी गैस ऑन रखेंगे तो ये नीचे से लग जाएगा अच्छे से। अब देखिए इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अब हमारा मावा तैयार हो गया है, अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको मैं एक स्टील की प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा मावा तैयार है, और इसको मैंने ना ज़्यादा गाढ़ा किया है, ना ज़्यादा उसको मैंने सॉफ्ट रखा है, क्योंकि इससे मेरे को पेड़े बनाने मथुरा स्टाइल के, और इसको घर पे बनाना सस्ता भी रहता है, बहुत चीप भी रहता है और शुद्ध भी रहता है। आप इसको ज़रूर घर पे बनाइए, और देखा होगा अपने न्यूज़ चैनल्स में कितने सारे न्यूज़ आती है कि सिंथेटिक खोया मिल रहा है, वहाँ छापा पड़ रहा है। इससे बढ़िया आप सस्ते में अपने घर पर बनाइए, फटाफट बन जाता है, ज़्यादा नहीं 1 घंटा लगा मुझे मैक्सिमम इसको मावा को बनाने में। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसके नीचे आप कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आने वाली मोर रेसिपीज़ के लिए और मोर किचन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।